हेपेटाइटिस बी का इलाज है, और कई बार हेपेटाइटिस बी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 100% नेगेटिव हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका वायरल लोड जो है बिल्कुल कम हुआ है। तो इसीलिए आप निर्भयता के साथ में हमारे किसी भी चिकित्सालय में जाकर के आप दिखाइए, और आयुर्वेद की जो बहुत सारी ऐसी महंगी औषधियाँ नहीं हैं, सामान्य औषधियाँ हैं, उसमें जो मुख्य प्रयुक्त होने वाली, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, लीवर के लिए हमारा सर्वकल्प क्वाथ। सर्वकल्प क्वाथ में मकोए है, पुनर्दवा मूल है, और इसके अतिरिक्त भूमि आंवला है उसका काढ़ा, और उसमें हेपेटाइटिस बी और सी के लिए मैं पूरे देश को बताना चाहूंगा, हम एक औषधि और देते हैं, उसका हमारा नाम है टोटला क्वाथ। टोटला क्वाथ वस्तुतः ये टोटला शब्द कोई आयुर्वेदिक शब्द नहीं है, यह शवनाक का एक वृक्ष होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, हिमाचल में भी है, सिक्किम वगैरह में भी होता है, उत्तराखंड में भी है। तो जो पहाड़ के थोड़ा सा क्षेत्र है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फलियां लगी होती हैं, बुद्ध धर्म के अंदर उसको पवित्र माना जाता है, उसके अंदर की जो सफेद सफेद सा बीज बहुत पतले पतले से होते हैं, तो उनको हिमाचल में तो देखा होगा आपने, टोपी लगाते हैं, तो उस पेड़ की जो छाल है, जब हम एक छोटी सी कहानी है आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जड़ी बूटियों के नॉलेज के लिए बहुत तप संघर्ष और पूरे देश का भ्रमण किया है। तो हमारे एक जब हम लोग सिक्किम में योग शिविर लगा रहे थे, तो वहाँ एक कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि हमारे मामा जी हेपेटाइटिस बी की चिकित्सा करते हैं, परंतु वो दवाई नहीं बताते हैं। तो हमने बहुत प्रयास किया कि वो क्या बताते हैं, तो पता चला कि वही शवनाक के छाल को 10 ग्राम के लगभग को, और कहते हैं रात को भिगाओ, सुबह मसल करके छान करके उसको पियो, उसके साथ में थोड़ी सी मात्रा में कपूर की छोटी सी डली देते थे। तो हमने देखा कि वह औषधि का प्रयोग, फिर हमने टोटला, क्योंकि सिक्किम में उसको टोटला बोलते थे, हमने उसका नाम ही टोटला रख दिया। वस्तुतः वो शेवनाक की छाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टोटला को आपको 10 ग्राम को आप रात को पानी में भिगो दीजिए, या उसको उबाल करके भिगो दीजिए, सुबह छान करके मसल करके उसको पीना है। सर्वकल्प क्वाथ का जो काढ़ा है उसको सुबह शाम को पीना है, जो टोटला क्वाथ है वो एक ही दिन पीना है। तो इससे हेपेटाइटिस बी के लिए भी, इवन सी के लिए भी, प्लस जिसको जॉन्डिस, जिसका ब्लोरोबिन बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे ब्लोरोबिन बढ़े हुए पेशेंट्स में भी उससे तत्काल लाभ होता है। तो एक बार वैद्य को जरूर आप दिखा करके, बाकी भी यदि आपको हो सकता है कुछ और भी परेशानियां हो उनके साथ शुरू कर दीजिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि दवाई औषध है और आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा योगासन प्राणायाम भी आप शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, जब हमने चिकित्सा शुरू करी तो सबसे पहले मेरी पेशेंट थी वो सर्जन थी, डॉक्टर भारती करके, हमारे हरिद्वार में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है। ये कहानी कोई आज से लगभग 18 साल 16 साल पुरानी बात होगी, तो मेरे को आज भी स्मरण है। तो जब हमने उनकी चिकित्सा करी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, और ठीक हुई, तो लोगों ने कहा कि ये तो ठीक होने वाली बीमारी ही नहीं है, कैसे ठीक हो गई, तो लोगों को बहुत भरोसा ही नहीं हुआ। पर बाद में आज तक भी वो ठीक हैं, आज सर्जन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, संभवतः वो भोपाल में है भी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे उदाहरण हैं, और हमारे चिकित्सालय में भी 50,000 लोग लगभग प्रतिदिन जाते हैं। तो सभी पेशेंट्स का रिकॉर्ड और डेटा हमारे पास है, ये पूरी प्रामाणिकता के साथ हम बात कर रहे हैं, और उन रिकॉर्ड में भी हम यहाँ तक भी रख रहे हैं कि यदि एक बार आप चिकित्सालय में जाते हैं तो आपने औषधि लगातार ली, नहीं ली, नहीं ली तो क्यों नहीं ली, लगातार ली तो आप कितने ठीक हुए, कितनों को हम ठीक नहीं कर पाए, ये व्यवस्थित रूप से ये ईएमआर सिस्टम पूरा लगा हुआ है। ये भी पतंजलि के द्वारा है, पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है, और इसमें आप ये भी निश्चिंत रहिए कि कोई भी साइड इफेक्ट वाली, कोई हानि करने वाली, कोई नुकसान करने वाली कोई भी ऐसी चीज पतंजलि के द्वारा आपको नहीं दिया जाता है, न उतनी अतिरिक्त डोज में दिया जाता है। इसलिए आप निर्भय होकर के, निर्धक होकर के पतंजलि के चिकित्सालय में पहुंचिए और वहां जाकर के अपनी चिकित्सा का लाभ ले लीजिए।